हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप सबने डिसाइड कर लिया है कि नवंबर 23 आपकी ग्रुप वन के लिए लास्ट एग्जाम होना चाहिए और ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है इसमें अगर आपका प्लान है कि भैया मुझे कैसे भी करके 400 में से 300 प्लस स्कोर करने हैं हर सब्जेक्ट में एग्जम्पशन के साथ, तो मैं आपके साथ मास्टर प्लान जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक डायरी और एक पेन लेके बैठिएगा। मैं नहीं चाहता आप इस वीडियो को दोबारा देख के अपना टाइम वेस्ट कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके, तो इसमें मैं आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अगर आप रैंक के लिए प्लान करना चाहते हैं वो भी आपको ग्रुप वन में हेल्प मिल जाएगी, कैसे पढ़ना चाहिए वो भी हेल्प मिल जाएगी, कहाँ से पढ़ना चाहिए वो भी हेल्प मिल जाएगी। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, अगर क्लासेस लेने की सोच रहे हैं तो कैसे करना है, या फिर मेंटरशिप प्लान सोच रहे हैं तो कैसे करना है, एवरीथिंग मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो अपने नवंबर 23 एग्जाम के लिए लाइक जरूर प्रेस करें ताकि पॉजिटिविटी क्रिएट हो कि यस, जो हुआ सो हुआ एक तरफ, अब जो होगा वो एक तरफ, मेरी लाइफ मेरी हिस्ट्री, आई एम द फाइटर, आई एम क्रिएटिंग हिस्ट्री दिस टाइम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के लिए। प्लानिंग को देखो, समझने के लिए छोटी छोटी कुछ बातें जो है वो आपको समझनी होगी। देखो, आप सबको पता है कि आईसीआई ने अभी अभी अपना एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है कि भैया नवंबर में आपके एग्जाम है 2-3 से। ओके, तो हम कैसे प्लान करेंगे, नवंबर में क्या है हमारे हमारे हैं एग्जाम, राइट। हमारे पास टाइम कितना है, लेट सपोज ये मान के चलता हूं कि आप ये वीडियो अराउंड 11th जुलाई तक देख रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है। और मैं यहां पे जो टाइम लूंगा वो लूंगा अराउंड 21 अक्टूबर, यहीं तक का टाइम लूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। या फिर ये बोलिए, यहां पे भी 21 अक्टूबर छोड़िए, हम यहां टाइमिंग रखते हैं जो लास्ट डेट है अपने पढ़ने की 11 अक्टूबर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये मास्टर प्लान ये कहता है। देखो, मास्टर प्लान और नॉर्मल प्लान का फर्क क्या होता है, नॉर्मल प्लान क्या होता है कि जी हम पढ़ रहे हैं, और मास्टर प्लान मतलब हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है, उसमें जो आप चैप्टर वन पढ़ोगे ना, अभी भी न्यू सिलेबस में भी है, एग्जिस्टिंग में भी है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। वो कहते हैं स्ट्रेटजी जब भी बनाते हो ना तो स्ट्रेटजी शुड बी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, यानी प्लानिंग पढ़ने के साथ क्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत आ गई परेशानी हो गई तो उस समय को कैसे हैंडल करेंगे इसको ध्यान में भी रखते हुए होनी चाहिए। ओके, तो हमारा प्लान क्या रहेगा कि देखो 11 अक्टूबर से और आपका 31 अक्टूबर तक आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। कौन सी सर, मॉक टेस्ट, राइट। और आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 4, और डेज कितने हैं आपके पास पर सब्जेक्ट के लिए, 5, यानी आप 20 डेज में, ये आपके अराउंड 20 डेज बनते हैं, आपको टेस्ट सीरीज के लिए प्रॉपर टाइम देना है। ये जो लेटेस्ट आईसीआई की टेस्ट सीरीज आएगी, मॉक टेस्ट आएगी, वो आपको सॉल्व करना है, राइट। ये एक प्लानिंग हो गई एक तरफ, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब हमें प्लान करना है कि हमें 11 जुलाई से 11 अक्टूबर तक कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। ओके, अब इसको हम प्लान करते हैं। लीजिए 11 जुलाई, मैं अभी ये तो बता रहा हूं पढ़ना प्लानिंग ब्लड, ये भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, हर चीज आपके काम आएगी। एंड ये हो गया आपका 11 अक्टूबर, राइट। अब देखिए, इसमें एक चीज तो समझिए, हमारे पास टाइम कितना है, अगर हम टाइमिंग पीरियड को अगर काउंट करें यहां पे, तो हमारे पास टाइम है 11 जुलाई से, अगर हम बात करें, अगर हम 11 जुलाई से बात करें तो पहला स्लॉट हमारे पास चला जाता है 11 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक है, जिस दिन गदर 2 आ रही है, राइट। 11 अगस्त के बाद हमारा चला जाता है 11 सितंबर, राइट, और उसके बाद हमारा चला जाता है 11 अक्टूबर, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, ओवरऑल 90 डेज के आसपास है, मान के चलिए 30 डेज इधर, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ओके फाइन। तो हमें कैसे पढ़ना है, एक टेस्ट हमने लास्ट 20 डेज में तो रख लिया कि हमें 4 डे में रिवाइज करना है, 5th डे में टेस्ट देना है, 4 डे में रिवाइज करना है, 5th डे में टेस्ट देना है, कैसे करना है वो भी मैं अभी गाइड करूंगा, सब कुछ करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिए, और डायरी प्लान लेके बैठिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। तो हमारे पास अगर मान के चलिए यहाँ भी हम टेस्ट के लिए 10 डेज रख लेते हैं, ठीक है, 10 डेज टेस्ट के लिए रख दिया तो टोटल 90 डेज है, 90 डेज में से अगर 10 डेज टेस्ट के लिए रख लिया तो हमारे पास बचते हैं 80 डेज, राइट। अब 80 डेज को आप कैसे प्लान करोगे, यही है मास्टर प्लान। तो 80 डेज में अगर हमारे 4 सब्जेक्ट्स है, यानी 20 डेज पर सब्जेक्ट ये निकल के आपका आता है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, यहाँ तक हम पूरा समझ गए कि हमें 20 डेज के अंदर एक सब्जेक्ट करना है। नहीं, गलत समझ रहे हो आप, अभी भी गलत समझ रहे हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। लेट सपोज मैं ऐसे गाइड करता हूँ कि यू आर स्टूडेंट ऑफ माई मेंटरशिप प्रोग्राम, या फिर आपने मेरा विघ्नहर्ता बैच ले रखा है क्लासेस वाला, या फिर आपने ले रखा है विघ्नहर्ता मेंटरशिप। अब मान के चलो मैं आपसे आपसे फीस ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी फीस। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो समझाने मुझे और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। लेट सपोज आपका नाम है, लेट सपोज आपका नाम है हर्षित, ठीक है, अभी के हर्षित स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था लेटेस्ट, हर्षित, राइट। हर्षित जी मेरी बात को समझिए, 20 डेज पर सब्जेक्ट है तो आपको कैसे पढ़ना होगा, मैं ओवरऑल आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब समझिएगा कि 20 डेज पर सब्जेक्ट में आप कैसे पढ़ोगे। सर एक तरीका है कि आप एक साथ दो सब्जेक्ट पढ़ो। देखो पहले ही कन्फ्यूजन ये रहते हैं, सर एक साथ एक सब्जेक्ट पढ़े, एक साथ दो सब्जेक्ट पढ़े, एक साथ तीन सब्जेक्ट पढ़े। देखो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग थियरी है, कुछ बोलते हैं कि तीन सब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में डे को डिवाइड करो, 1 2 3, लेट्स सपोज मॉर्निंग वाला टाइम, इवनिंग वाला, देन नाइट वाला, और उसमें तीन सब्जेक्ट पढ़ो। मेरे हिसाब से नहीं, मैं मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको गाइड करता हूँ। लेट सपोज आपने पहला सब्जेक्ट पिक किया, यू कैन से पहला सब्जेक्ट आपने पिक किया डीटी, राइट। डीटी को 20 दिन में कैसे ख़त्म करें, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी क्लासेस कंप्लीट है, और क्लासेस नहीं कंप्लीट है तो ऐसा ही जाएगा, लगभग ऐसा ही जाएगा, राइट। अब 20 डेज में तो करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, तो मान के चलो 25 डेज भी लग सकते हैं, क्योंकि फिर हम टाइम कहाँ बचाएंगे, कॉस्टिंग थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे, अकाउंट में बचा लेंगे, और यहाँ दो जगह टाइम थोड़ा सा बच सकते हैं। 20 डेज, अब देखिए 20 डेज में डे 1 2 3 4 5, देखो मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए इस दिन आपने बेसिक कर लिया एंड आपने हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, क्या ये एक दिन में पॉसिबल है? यस सर, अगर आप कोई क्लासेस नहीं ले रहे, अगर आपने कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ रखी, तो देखो दो तरीके हैं। मैंने आपके लिए विघ्नहर्ता नहीं मजदूलिस दे रखी थी, हाउस टैक्सेशन की, टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर मिलेगा लिंक, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर, जो चैनल का नाम है भाई, आपको मिल जाएगा। या फिर उसको छोड़ो, स्टडी मैट उठाओ, ठीक है, ये दो टॉपिक करो, एक दिन में हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको एक दिन में पिक करना है सैलरी। अब एक कुछ बच्चों ने एक बार मेरे से, एक बच्चे ने कहा अरे यार तुमको एक्सपीरियंस भी है सैलरी जैसा चैप्टर एक दिन में हो सकता है? अब मेरी बात को सुनेगा, मैं अराउंड 42-1 आवर का लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, और 10 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विद स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन। देखो सब टीचर का अपना स्टाइल है, और दूसरी चीज़ ये मत कहो हो नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हो नहीं सकती अगर करने वाला हो तो। सेकेंड थिंग कि सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे करें, तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट, ऐसे ही मॉड्यूल डाउनलोड करो, दैट्स इट, ओके सर। लेकिन हमें टैक्सेशन में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, हमें ना समझ में नहीं आता, तो एक काम करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, CADreamers.com होगा, वहाँ पे जाके बॉटम में जाके कोर्स पे सेलेक्ट करना, डायरेक्ट टैक्स बाय कर लेना, अराउंड 2100 में होगा, बुक्स भी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसे। नाउ थर्ड डे, थर्ड डे में आपने करना है कैपिटल गेन। नाउ स्टॉप, स्टॉप, अब यहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। आपने मेरे से मेंटरशिप ली ना, राइट हर्षित, हर्षित मैं तुमको बता रहा हूं, अब थोड़ा सा रुको, और थर्ड डे की इवनिंग में या फिर फोर्थ डे की स्टार्टिंग में ये सारे टेस्ट सॉल्व करो, तब आगे बढ़ो। आप गलती क्या करते हो, आप भागने में लगे रहते हो। एक बच्चे ने कहा सर हम तो टेस्ट सीरीज लेते हैं 2100 में लेते हैं, 3100 में लेते हैं, हमें तो बहुत सस्ते मिल जाती है। मिल जाती है, लेकिन क्या वो टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर चेक होकर मिलती है? कैसे मिलती है? क्या वो आपकी पढ़ाई के हिसाब से चलता है? आपने चैप्टर कंप्लीट किया आप टेस्ट दे सकते हो? क्या आपको वो पुश कर रहे हैं? क्या वो आपको पूछ रहे हैं नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अब देखो मेरा स्टाइल क्या है, अगर बच्चे ने गलत किया तो मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं कहता हूँ दोबारा चैप्टर करो, दोबारा टेस्ट दो, दोबारा चैप्टर करो, दोबारा टेस्ट दो। एक बच्ची थी सरिता, ठीक है, उसने अभी ज्वाइन किया, उसने एक टेस्ट उसको आ नहीं रहा था, आई थिंक FMA था, FMA उसको कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था, तो उससे 3 बार टेस्ट दिलवाए एक ही चैप्टर के, क्योंकि जब तक परफेक्शन नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। सो डू टेस्ट, टेस्ट का मतलब आप क्या समझते हैं कि जी चेक हो गया बस हो गया? नहीं, अगर आपके फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मान के चलिए आपके 10 मार्क्स का टेस्ट है, अगर 8 या 9 नंबर नहीं आ रहे तो उसका टेस्ट दीजिए, दोबारा दीजिए, दोबारा दीजिए, दोबारा दीजिए, तब तक दीजिए जब तक परफेक्शन आ जाए, प्लीज़। नाउ अब फोर्थ डे को आगे कंटिन्यू करते हैं, 4, 5, 6 एंड 7। नाउ
पीजीबीपी एंड अदर सोर्स, अदर सोर्स के साथ आप डिडक्शन का टॉपिक कर लो. नाउ टीडीएस प्लस टीसीएस. नाउ स्टॉप, नाउ स्टॉप, फिर इसका पूरा रिवीजन एंड टेस्ट. अब देखो मैंने आपको 6 डेज दिए, मैं यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा देता हूँ आपको, यहाँ पे भी एक दिन एक्स्ट्रा देता हूँ. अब आपके पास डे मान लिख के चलिए आपको 20 डेज में आपने कितने दिन यूज़ कर लिया, 8 दिन यूज़ कर लिया, नो इशू. अब जो बचे हुए टॉपिक है वो बहुत छोटे छोटे हैं, अब वो 7-8 के डे में आप पेंडिंग टॉपिक्स कर लीजिए, हो जाएंगे 100 प्लस, प्लस एक दिन का फिर रिविजन एंड टेस्ट. देन 3 डेज लीजिए प्रॉपर इस स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए, इस स्लॉट को और इस स्लॉट को अगेन एक बार पूरे रिवीजन के साथ. देन फुल डीटी का टेस्ट सॉल्व कीजिए. दिस इज कॉल्ड मास्टर प्लान. आप लोग बोलते हैं ना सर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए प्लानिंग. अभी मैंने आपके कितने टेस्ट इतने में करवा दिए, एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट कर लिया आपने, प्लस कंप्लीट होने पर एक आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, और एक मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है जो कि हम 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में करेंगे. तो चैप्टर वाइज के 2 आपके, एक पूरा हो गया, अगर मिस्टेक हो रही है तो अगेन अगेन अगेन, एंड आपका एक क्या हो गया अभी में मॉक टेस्ट पेपर हो गया, एक लास्ट में हो गया. इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए. सेम प्लानिंग अभी देखिए सर, इसमें आपने कितने दिन ले लिए, सर 14-15 दिन तो इसी में लग गए, राइट. अब आता है आपका जीएसटी. जीएसटी में इतनी मेहनत ले लेगी, ठीक है. जीएसटी में आपका डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप रिविजन कर रहे हो तो 6 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो. चैप्टर 1 एंड 2 फर्स्ट डे, देन 3 एंड 4 नेक्स्ट डे, देन 5th एंड 6 नेक्स्ट डे, 7 एंड 8 नेक्स्ट डे, 9 एंड 10 नेक्स्ट डे. बट ये नेक्स्ट ऐसा होगा नहीं. इसमें अब आपको क्या बनाना है, लेट्स सपोज आपने 4 चैप्टर कर लिए, देन फुल रिवीजन एंड टेस्ट, देन फुल रिवीजन एंड टेस्ट, देन फुल रिवीजन एंड टेस्ट, देन एक मॉक टेस्ट. तो इस तरीके से आपको करना है. जहाँ पे आप 5 डेज ले रही है, 5 to 8 डेज लग जाएंगे. यानी देखो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 to 12 डेज यहाँ पे लग रहे हैं, प्लस यहाँ पे कितने डेज लगे आपको, 5 to 8 डेज. अगर आप इसका समअप करेंगे तो अराउंड 20 डेज के अंदर आप चाहे तो, ये मैंने एक एस्टिमेट दिया, आप टैक्सेशन को ख़त्म कर सकते हैं. समझ गया मेरी बात? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, करेक्ट, वेरी गुड. ये आपका हो गया मास्टर प्लान टैक्सेशन के लिए. अब सर एक चीज़ और करेंगे, 20 दिन हो गए, अराउंड 20 डेज हो गए, राइट. हमने 20 डेज यूज़ कर लिया अराउंड कितने में से, 80 डेज में से. तो 80 माइनस 20 = 60 डेज. ओके, नाउ व्हाट सब्जेक्ट वी हैव टू पिक. अब मैं बोलता हूँ अब आप अकाउंट पिक करो, ठीक है. आप पिक करेंगे अब अकाउंट. अब अकाउंट में देखो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 20 डेज मोर देन इनफ है. छोटे छोटे चैप्टर पहले पिक कर सकते हो, जैसे आपका हायर परचेज हो गया, ठीक है, आपका इंश्योरेंस क्लेम हो गया. आप एक दिन में ये चैप्टर फिनिश कर सकते हो. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो स्टडी मेट बेस्ट है. और वही मैं कहूँगा, अगर आपने क्लासेस करनी है, दिक्कत हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, cadreamers.com वेबसाइट चेक करना, कोर्सेज के अंदर आपको अकाउंट मिल जाएगा. वही प्राइस होगा अराउंड 2100, दैट्स इट, ठीक है. आपका हो जाएगा फॉर योर एग्जाम विथ हार्ड बुक, ठीक है. इसमें ये मत सोचना कि सिर्फ वीडियोज़ मिलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है. तो अकाउंट से मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर विथ AS, ठीक. अब इसके बाद हम पे करते हैं कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के लिए अभी तक हमारे 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, राइट. और आज तारीख कितनी है, अराउंड आज है हमारे पास 7 जुलाई. हमने कोर्स कब से पढ़ना शुरू किया, 11 जुलाई से, राइट. तो 11 जुलाई से अगर हम 40 डेज ऐड करते हैं तो ये आ जाता है अराउंड 20 अगस्त, राइट. अब 20 अगस्त, 21 अगस्त, कॉस्टिंग के लिए मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपका समय बचा रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, और आपके पैसे बचा रहा हूँ. आपको कुछ भी बाय नहीं करना, ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक की, अगर बाय करना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, स्टडी मेट से हो जाएगा. अब इसके फ्री लेक्चर्स, कॉस्टिंग के फ्री लेक्चर्स YouTube पे ऑलरेडी डले हुए, अराउंड 17 to 18 में कंप्लीट कर चुका हूँ, लेक्चर्स डाल चुका हूँ. नहीं पता आपको, जाइए इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए डायरेक्ट, वहाँ आपको मिलेगा विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच, उसमें 17 to 18 लेक्चर्स मिल जाएंगे. शुरू से देखेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. अब मान के चलिए इसमें 40 डेज ऐड कर लेते हैं, मैं लेक्चर्स अराउंड 11 और 12 जुलाई से कंप्लीट करूँगा. 40 डेज यानी अराउंड 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपके 100% लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे.
विनोदा कौशिक को, वैसे वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर का फ़र्क आ रहा है, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बाकी सिलेबस पूरा सेम है, ये चीज़ मार्क कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ और, थोड़ी बहुत थ्योरी नहीं है तो मैंने पढ़ाई नहीं है जो ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग सिलेबस में नहीं है, वो मैंने लास्ट के लिए रखी है, ताकि मैं बता दूंगा ये न्यू सिलेबस के लिए आप छोड़ दीजिए तो आप उसे छोड़ देना, एक ही साथ पढ़ लो, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए कॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। और यहाँ कॉस्टिंग अगर एग्जाम्प्ट हो गई तो न्यू सिलेबस जो होगा ग्रुप टू, उसमें आपको कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट होगा सिर्फ ऑडिट और एडवांस अकाउंट, सॉरी ऑडिट का और FMEQ का पेपर देना होगा ग्रुप टू में, दैट्स इट, सॉरी FM एंड SM हो गया है, आदत इतनी होगी ना बोल बोल के सॉरी 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 कि वही निकल रहा है, ठीक है, FM SM प्लस ऑडिट, बस वो देना होगा, कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगी बाई चांस अगर आपका ग्रुप वन क्लियर हो जाता है नवंबर 23 में तो। ओके नाउ, तो हमने कितने सब्जेक्ट कर लिए, सारे कर लिए, नाउ वी हैव द सब्जेक्ट लॉ। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, मैंने एक चीज़ देखी, मैंने पहले शेयर करूँगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैंने एक चीज़ देखी कि कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हम ग्रुप वन कर लेते हैं साथ में एक दो सब्जेक्ट ग्रुप टू का कर लेते हैं। देखो यार, बड़े बुजुर्ग कह के गए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अगर आप मल्टीटास्किंग होंगे ना, देखो जो टीचर्स हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा, सबके लिए सॉरी, मैं अपनी साइड से पहले सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी वो कहेंगे ये सब्जेक्ट लो, तो कहीं ना कहीं उनकी सेल होती है, कहीं ना कहीं 2 ही रुपये बचेंगे लेकिन बचते हैं, 1 रुपये बचेगा लेकिन बचता है। तो आप ये सोच रहे हो कि जी टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं एक दो सब्जेक्ट इधर कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, आप फेल हो जाएंगे, आप जिस कोर्स में हैं उसका लास्ट अटैम्प्ट है नवंबर 23, तो सॉरी टू से बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, आप अपने मार्क्स की हालत देखिए, अगर आप इतने समझदार होते, बुरा मत मानिएगा, एक भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, मेरी प्यारी बहन मेरे प्यारे भाई, बुरा मत मानना, अगर आप इतने समझदार होते तो आप पास हो चुके होते, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आप दूसरे टीचर के वीडियो नहीं देख रहे होते। सो एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है आपकी लाइफ का, सो डोंट वेस्ट एनी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, इस बार पास होना है तो होना है, 100% पास होना है, तो गलत प्लानिंग मत कीजिएगा। अभी अराउंड 50-60 स्टूडेंट्स ने मेंटरशिप में इनरोल कराया, मेंटरशिप में बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से क्या होता है, देखो यार यही होता है, पहली चीज़ आपके जो डिसीजंस गलत होते हैं उनको रोका जाता है, आपको सही डायरेक्शन दिया जाता है कि कितने बजे उठो कितने बजे पढ़ो, तुम जॉब कर रहे हो तो क्या करोगे, आर्टिकलशिप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, हाउस वाइफ हो तो क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज करोगे, अगर फुल डे स्टूडेंट हो तो कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, आपको चैप्टर होने के बाद टेस्ट कैसे देना है, उसके बाद परफेक्शन कैसे लानी है, उसके बाद आपकी वीकली 2 से 3 जूम मीटिंग सेशंस होगी जिसमें काउंसलिंग होगी कि कहाँ कहाँ हमें सुधार करना चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपने रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर कहाँ। तो ओवरऑल एक पैकेज मेंटरशिप में उन बच्चों ने ज्वाइन किया कि कैसे हम इस नवंबर 23 को अपनी लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट बना के रिजल्ट के साथ अपनी सक्सेस को अचीव करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेंटरशिप के लिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, cadreamers.com, मेंटरशिप आपको मिलेगा, विनता मेंटरशिप ग्रुप 1 2 बोथ जो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी प्राइसिंग है लेकिन वो प्राइस इसलिए मैटर कर रही है क्योंकि आपका रिजल्ट आज क्लियर नहीं हुआ, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना आप खुशी खुशी कहोगे और 10 लोगों को जाके बताओगे यार क्या टीचर था यार मज़ा आ गया सर, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी क्लासेस के लिए परेशान हैं उनके लिए गाइडेंस ये है, अपनी सेल के लिए नहीं बता रहा आपके लिए बता रहा हूँ कि देखिए एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए भी मत चाहिए, अगर आपके मार्क्स 140, 160, 180, अभी एक बच्चे के मार्क्स 180 है 190 है, मैंने उसे बोला क्लासेस मत लो, टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, प्रैक्टिस फोकस करो, तुम क्लियर कर लोगे। अब वो बच्चा कह रहे हैं नहीं सर मैं तो क्लास लूँगा, सर मेरे को ना फास्ट ट्रैक लेना है, बहुत सस्ता मिल रहा है सर, एक बहुत अच्छा टीचर दे रहे हैं, बहुत फेमस टीचर। भैया मेरे, आप उनका लोगे उनकी सेल बढ़ेगी, आपको क्या मिला, सर मैं फास्ट ट्रैक से पढ़ लूँगा, आप समझे नहीं, फास्ट ट्रैक मतलब ये होता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चन बता दिए लेकिन 100% नहीं बताया, तो तुम उसी 60% को दोबारा लेके जाओगे और अटेम्प्ट करके आओगे। तो प्लीज़ इसको 100% पे लाओ जो कि एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है, हर बार 60-50 60-50 खेलोगे, अटेम्प्ट लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा और हर बार आप आके अपने पेरेंट्स को हर्ट करोगे। तो सर तरीका क्या है हमें क्लासेस लेनी है, तो पहली चीज़ ध्यान सुनेगा, अगर आपके मार्क्स 130 तक है, 130 130 तक है, सो आई रिकमेंड यू जस्ट दो ऑप्शन है, गो फॉर सेल्फ स्टडी, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले लो और कर लो, टेस्ट सीरीज जरूर लेना और सॉल्व जरूर करना, या एक और ऑप्शन है जैसे मैंने बोलता है मेंटरशिप, आप उसको लीजिए, थोड़ी सी कॉस्टली है, कॉस्टली है आई एक्सेप्ट, बट जस्टिफिएबल है,
पहले क्या होता था, मेरी कॉस्ट बड़ी कम थी, क्यों, मैंने दो तीन टीचर रख लिए थे, सबको पार्ट टाइम पैसे देता था, वो चेक करते थे, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं थे, क्योंकि बच्चा फेल हो रहा है पास हो रहा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे ने टेस्ट दिया नहीं दिया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व हुआ है, टीचर को साइड किया, मैंने कहा मैं अपने बच्चों के टेस्ट खुद चेक करूँगा, आपसे पर्सनल कॉल पर बात करना, देखो यार तुमने ये गलती कर दी है क्योंकि बताओ, ऐसा करोगे तो कैसे पास करोगे, तो मैंने पर्सनली मैसेज चेक करना, पर्सनली उनका कॉल पिक करना, पर्सनली जूम मीटिंग सेशन देना, तो इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट उसकी ऐड है, बाकी जगह आपको सस्ता ही मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, कभी आर्टिकल से करवा रहे हैं, कभी 12th के बच्चे से चेक करा रहे हैं, कभी अपने भैया से करा रहे, दीदी से, तुमको क्या पता कौन चेक कर रहा है, नो इमोशंस इज देयर, बट यहाँ पे इमोशंस है कि तुमने ये गलती की, इसको ठीक नहीं करोगे तो पास कैसे करोगे, ये इमोशंस आपको मिलेगा, और लिटरली इमोशंस की पावर एक माँ से पूछो जो 50-60 की हो जाती है लेकिन उम्मीद करती है कि मेरा छोटा बच्चा कब बड़ा बनेगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन बहुत पावर होती है इसमें, जब कोई आपको प्यार के साथ पढ़ाता है ना तो उसकी कॉस्ट कभी हम पे नहीं कर सकते, और अगर आपकी मार्क्स 130 से कम है तो आई रिकमेंड, दो ऑप्शन है, किसी भी टीचर के फास्ट ट्रैक लो, तो एक सब्जेक्ट मत लेना, चारों लेना, और टेस्ट सीरीज अलग से अवॉइड करना, और जैसे जैसे फास्ट ट्रैक के चैप्टर होते जाए टेस्ट देते देते पास कर जाओ। एक ऑप्शन और देता हूँ सेल्फ स्टडी वालों का, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस करो, बट यार 130 से कम है यार, सेल्फ स्टडी मत ही करो, सॉरी, आपको जो ठीक लगे आप जानो, सेल्फ स्टडी मत करना। उसके बाद एक विघ्नहर्ता बैच मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब आप जाओगे cadreamers.com वेबसाइट पे, आप चेक करना कोर्सेज के अंदर, आपको मिलेगा विघ्नहर्ता बैच, ग्रुप 1 बैच, विघ्नहर्ता ग्रुप 2 बैच, विघ्नहर्ता बोध ग्रुप बैच, बोथ ग्रुप में बस वही जाएगा जो कि, सुनिए ध्यान से, अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली देगा, आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ है, अगर 10 to 12 आवर्स नहीं दे सकते तो डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स, पहली चीज़। इसके बाद हम सर ग्रुप 1 ही करना चाहते हैं, अब क्लासेस के साथ हो सकता है, क्लासेस के साथ लेक्चर्स तब होंगे जब 5 to 6 आवर्स पर डे आप दोगे, हो जाएगा, येस आई विल प्लान फॉर यू, यू कैन डू इट नाउ। ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का होगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिटेल्स चेक कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस विथ हार्ड बुक्स विथ लेक्चर्स, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, ये फुल एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ये बैच अराउंड 11-12 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो जो भी इनरोल करा रहे हैं 2 से 4 दिन में करवा लेना, सेलिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाइडेंस के लिए कर रहा हूँ कि अगला अटैम्प्ट पास हो जाए, क्योंकि एक तरीका भाई खरीदो खरीदो ऑफर ऑफर, मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफर वहाँ देने होते हैं कि भैया स्टॉक ख़त्म करना है बेचो, नहीं, मेरे को कोई स्टॉक ख़त्म नहीं करना, मेरे को 1000-2000 सेल से अच्छा 150 बच्चे आए, 150 बच्चे 100% रिजल्ट के साथ पास होके जाएं, ये मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि ये अटेम्प्ट आपकी लाइफ का, आपके एग्ज़ाम का लास्ट अटेम्प्ट हो, अगर आप ये चाहते हो कि अगली बार मम्मी पापा को जो आंसू आए ना वो खुशी के हों, देन ज्वाइन ऑनली, मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया, नाउ कंप्लीटेड। नाउ माई डियर फ्रेंड, बात करते हैं लॉ की बात करते हैं, कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ देखो हार्डली 5 to 10 डेज का है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखो टोटल 10 चैप्टर है, राइट। तो इसमें अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ भी करते हो, मेंटरशिप में भी करते हो, ईजिली कर लोगे, लिटली चैप्टर 1 एंड 2 आप एक दिन में कर सकते हो विथ टेस्ट, चैप्टर 3 एंड 4 एक दिन में कर सकते हो विथ टेस्ट, सर याद भी हो जाएगा 100%, सर एक दिन में कर सकते हो विथ टेस्ट, सर एक दिन में कर सकते हो विथ टेस्ट, सर ये फास्ट ट्रैक नहीं है फिर भी, हाँ जी एग्जाम ओरिएंटेड वाला होगा, एक एक चैप्टर में 4-5 लेक्चर होंगे, लेकिन वो लिखना नहीं है ना, बुक्स तो हार्ड बुक में दे रहा हूँ ना, हार्ड बुक्स में पढ़ो, क्वेश्चन उसमें इतने डिस्कस हुए कि मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन उसमें मार्क करा दूंगा, ये इस चैप्टर से आया हुआ था, सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। नाउ 9, 10 एक दिन का टॉपिक, कुछ बच्चों को लगेगा सर मजाक कर रहे हो, सर 5 दिन में कैसे हो सकते हैं, देखो 5 डेज है, डिपेंड अपॉन आप कितने जीनियस हो, वरना 5 डेज को आप इंक्रीमेंट कर सकते हो 5 to 8 डेज में, ये आपका विथ चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन का रिविजन टाइम लगाओ यहाँ पे, प्लस टेस्ट दो, इस बार हम देंगे मॉक टेस्ट, इस तरीके से आप पूरा कंपनी लॉ 10 डेज के अंदर फिनिश कर सकते हो। आप लोग को लग रहा है असंभव है, बहुत बार मैंने किया है, 2016 से करवा रहा हूँ, हर बार होता है, डेफिनेटली होता है, अगर इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, गाइडेंस भी है, प्लानिंग में, इसमें तो सब होगा आपका, डिपेंड अब आप कैसे करने वाले, राइट। और अगर कोई डाउट रह जाता है मेरे बताने के बाद भी, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करना 9351914, लेकिन एक चीज़ याद रखना 11-12 जुलाई तक बहुत
ट्रैफिक है व्हाट्सएप पे और कॉल पे, तो वो आंसर मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। 48 आवर्स, 2 दिन का टाइम लेके चलना तो जाके आंसर मिलेगा, ठीक है। बाकी बेस्ट है स्टार्ट करो और बस स्टार्ट करो, जल्दी से आप बुकिंग करोगे। अगर विग्नर था बैच ले रहे हो 1 2 3 1 2 बोथ में, तो आपका पैकेट जल्दी डिस्पैच होगा, आपको जल्दी मिलेगा, 11 से 12 जुलाई तक बुक होगी आपके पास, यू कैन स्टार्ट। और मेंटरशिप ले रहे हो तो भैया मेंटरशिप में तो बुक्स वगैरह जाती नहीं है, 48 आवर्स में कॉल आएगा, प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाएगी, फिर आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, राइट। चलो अब बात करते हैं अदर लॉ की, लास्ट अदर लॉ, अदर लॉ, अदर लॉ मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, आपके 4 चैप्टर हैं, राइट। एक दिन, 1 डे प्लस 1 टेस्ट, दैट्स इट, 1 डे प्लस 1 टेस्ट, 1 डे प्लस 1 टेस्ट, 1 डे। सर एक दिन में चैप्टर खत्म होते हैं, 100% होते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? नेगोशिएबल, 5 लेक्चर में खत्म है, 5 घंटे के अंदर, विद टेस्ट, 5 घंटे पढ़ के 2 घंटे रिवाइज करो, 8वें घंटे में टेस्ट है, दैट्स इट। ऑफिस जाके, ऑफिस से आके, कभी भी, वी विल मैनेज योर टारगेट, योर टाइम, एवरीथिंग, ओके। तो इसी के साथ ये यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट में 2 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट रेस में, किसी ने बोल दिया सीए बहुत अच्छा है, कर लो, लाइफ बन जाएगी, आप कर रहे हो, मामा ने कहा, चाचा ने कहा, आप कर रहे हो, दोस्त को देखा, आप कर रहे हो, कोई लड़की पसंद आ गई, वो भी उसी में जाती हो तो आपको पसंद आ गया, आप कर रहे हो। अब मैं जो आपको बोल रहा, ध्यान सुनो, दो पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक, उनके सामने एक रॉकेट निकल गया बहुत तेज, दो पक्षियों ने आपस में बात की कि यार वो तो निकला, मैं क्यों नहीं निकला, तो पहले पक्षी ने जवाब दिया, क्योंकि उसके पीछे आग थी। तो नो मैटर व्हाट, किस कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, मैटर ये करेगा किस इंस्पिरेशन के साथ पढ़ रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारा वाई क्या है। सर पापा बहुत मजदूर है, सर 10 से 12 हज़ार की नौकरी करते हैं, गार्ड की नौकरी, पापा ऑटो ड्राइवर है, सर उस दर्द को अगर पाल के पढ़ोगे तुम उसी अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। लेकिन हाँ सर कर रहे हैं ना सर, क्लासेस तो ले ली सर, बस चल ही रहा है सर, ये जो चलना होना देखना करना, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना मेरे दोस्त, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। रिजल्ट उस अटेम्प्ट में आएगा जिस दिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि सर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर सीए एग्जाम। अब आप सभी को गुरु दक्षिणा के तौर पे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कॉस्टिंग की वीडियोस भी आती रहेंगी, गाइडेंस वीडियो भी आती रहेंगी, ठीक है। और कोई डाउट रह गया तो 9357-19404 पर मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर सी एग्जाम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर सी एग्जाम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर सी एग्जाम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर सी एग्जाम। पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ रिजल्ट आपका होगा, रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।